ज्ञानवापी परिसर में हुए एसआई सर्वे की 839 पन्नों की रिपोर्ट में जो जो बताया गया है, जो जो दिखाया गया है, जिन बातों का खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक ज्ञानवापी में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके एक दो नहीं, ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। एसआई के सर्वे में साफ साफ बताया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। ज्ञानवापी में जो मस्जिद बनी है, उसे बनाने के लिए हिंदू मंदिर के स्तंभों का प्रयोग किया गया है। हालांकि ये चीजें ज्ञानवापी परिसर में साफ साफ नजर आती हैं, लेकिन एसआई सर्वे के बाद ये बड़ा साक्ष्य बन चुका है। एसआई ने जब ये फाइंडिंग दी है तो एसआई ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे मंदिर के मटेरियल से इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में एसआई ने कहा है कि हिंदू मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है, एसआई ने कहा है कि वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें एएसआई ने अपने कंक्लूजन में कही हैं और एएसआई ने बहुत सेफली ये बात कही है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल था। चलिए अब हम आपको बताते हैं एएसआई के सर्वे में ऐसे कौन कौन से सबूत मिले हैं जिनके बाद रिपोर्ट में ज्ञानवापी के एक मंदिर होने की बात कही गई है। ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे में हिंदू मंदिर के खम्भे, हिंदू मंदिर की कलाकृतियाँ, हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह, राम नाम का पत्थर, कई शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्तियाँ मिली। इसके अलावा भगवान विष्णु की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, बालकृष्ण की मूर्ति, हाथी के चिन्ह और देवी देवताओं की कई मूर्तियां भी मिली हैं। इसके अलावा एएसआई के सर्वे में पश्चिमी दीवार को मंदिर का ही हिस्सा कहा गया है। ज्ञानवापी परिसर में जो शिलालेख मिले हैं वो हिंदू मंदिर होने के सबसे बड़े सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। एएसआई को पूरे परिसर में लगभग 32 ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है और मस्जिद बनाने में हिंदू मंदिर के अवशेषों का ही बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी के शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में। शिलालेख पर जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के नाम भी लिखे मिले हैं। इसके अलावा शिलालेख पर महामुक्ति मंडप जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं जो कि इस केस में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। जनार्दना, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के तीन नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। अब इस पत्थर को ध्यान से देखिए जो मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी में मस्जिद बनाने की पूरी कहानी बयान करता है। ये पत्थर एएसआई को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के एक कमरे से मिला जो आधा टूटा हुआ था, लेकिन इस पत्थर की फोटोग्राफ एएसआई के रिकॉर्ड में 60 के दशक से मौजूद है। इस पत्थर और औरंगजेब की जीवनी मासीर आलमगिरी पुस्तक में ज्ञानवापी की सच्चाई लिखी गई है। एएसआई सर्वे में मिले आधे पत्थर में फारसी भाषा में जानकारी दी गई है जिसके मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल में ये मस्जिद बनाई गई। 1676 से 77 के बीच इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। एएसआई के सर्वे में मासीर आलमगिरी पुस्तक का वर्णन भी है। इस पुस्तक के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को ध्वस्त किया गया था। 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। देखिए उस शिलालेख में बेसिकली ये लिखा है कि यहाँ पे एक मंदिर तोड़ा गया था और उसको वहाँ पे फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया था, रिकंस्ट्रक्शन किया गया था इस तथाकथित मस्जिद का। उस शिलालेख, वो शिलालेख 1965 का है, 1965-1966 का, और उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास था। दौरान जब एएसआई का सर्वे हो रहा था तो इस तथाकथित मस्जिद के कमरे से उसका आधा टूटा हुआ भाग मिला। तो गौरतलब बात यह है कि उन्होंने 1965 से 2023 के बीच में इसको तोड़ दिया, शिलालेख को, हो सकता है सर्वे होने से पहले उस शिलालेख को तोड़ दिया और उसका आधा टूटा हुआ भाग एएसआई को मिला और उसका ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है वो एएसआई के पास है। तो वो शिलालेख यही दिखाता है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। आधुनिक तकनीक से किए गए एएसआई सर्वे में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि ज्ञानवापी ढांचे के चारों तरफ ऐसे चैम्बर भी नजर आ रहे हैं जो कि एक अष्टकोणीय मंदिर की तरह दिखाई देते हैं। हालांकि अब तक ज्ञानवापी का पूरा सर्वे नहीं हुआ है क्योंकि एएसआई ने अब तक यहां कोई भी खुदाई नहीं की। देखिए वो चैम्बर की बात ऐसी है कि अगर आप जेम्स प्रिंसेप का मैप देखेंगे तो वो अष्ट मंडप का मंदिर उन्होंने बताया जिसमें काफी अलग अलग मंडप्स थे। तो एएसआई ने यही कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके चारों तरफ अलग अलग चैम्बर दिखते हुए नजर आते हैं।
नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और जो नीचे की तरफ है वो स्टोन से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ नीचे नहीं जा पाए हैं। तो जितना ASI ने अवलोकन किया, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ASI की जो पूरी कार्रवाई हुई है इसमें कोई एक्सकेवेशन नहीं हुआ है, जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके हिसाब से ये कार्रवाई की गई है। वैसे जो सबूत अब ASI के सर्वे की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जी न्यूज उनका सिलसिलेवार ब्यौरा साक्ष्यों और बयानों के साथ 2020 में ही दे चुका है, जो ज्ञानवापी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का साफ संकेत दे रहे थे। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तहखाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहाँ पर आप वो आकार देख सकते हैं। ASI की सर्वे रिपोर्ट से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे की जगह बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर था जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया, और अब इसके समर्थन में ASI ने कई अहम सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं जिसे जिला प्रशासन के पास रखा गया है। वाराणसी से अंकुर त्यागी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया।